बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ कि मामी सेवैयां ईद स्पेशल। तो देखते हैं हमें उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। सेवैयों का एक पैक ले लिया मैंने, जो बारीक सेवैयों का एक पैकेट होता है, और उसको पैकेट के अंदर ही मैंने तोड़ लिया। आप चाहें तो आप बाहर भी निकाल के इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ सकते हैं। साथ में एक कप चीनी ली हुई है, बादाम थोड़े से रखे हुए हैं, किशमिश, नारियल कट करके रखी हुई है। ये आपने अपनी मर्जी के मुताबिक लेने कि ये ड्राई फ्रूट्स आप लोगों ने मेवे जो होते हैं कितने डालने हैं। इलायची रखी हुई है हाफ कप, जो होता है 1/4 2 कप जो इसका हाफ बनता है, वो मैंने खुश्क दूध रखा हुआ है, और साथ में कलर फूड कलर रखा हुआ है ऑरेंज वाला, जर्दे का जो कलर होता है। सबसे पहले मैंने पतीले में 2 कप पानी डाल लिया है, और अब इसके अंदर मैं ये चीनी ऐड कर दूंगी क्योंकि हम इसका शीरा बनाएंगे। पहले तो मिक्स कर लेंगे, साथ ही मैं इसके अंदर ये जर्दे का कलर ऐड कर दूंगी। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। मैंने कढ़ाई पर रख दी है, और अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। आपकी मर्जी, आप सिंपल घी ऐड करें या कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर ये बादाम, किशमिश और ये नारियल, इनको डाल के लाइट सा बस सौते करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्की आंच पे बनाना है पर ये जले ना। ये हमारे अब लाइट से कलर इनका चेंज हो गया है, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अब मैं उसी आयल में ये इलायची डाल दूंगी। इलायची मैंने इसका मुंह नहीं खोला हुआ, अगर आपने इसको बारीक पीस के डालना है तो तब भी आप डाल सकते हैं। इसको हल्का सा करूंगी लाइट सा। अब हम इनके अंदर ये सेवैयां ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। 7-7 चम्मच चलाना है ताकि ये नीचे ना लगे और जले भी ना। सेवैयां मेरी फ्राई हो चुकी हैं, तो अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी क्योंकि मेरा जो शीरा है वो अभी रेडी नहीं हुआ। अगर आपका उसके साथ ही रेडी हो जाए तो आप इस वक्त ऐड कर दें, वरना मैं अभी शीरा रेडी करूंगी, उसके बाद इसमें दोबारा फ्लेम ऑन करूंगी। तो शीरा रेडी हो चुका है, अब मैं इसके अंदर शीरा ऐड कर दूंगी। अब हम इसको पकाएंगे थोड़ा, जब तक कि सेवैयां फूलेंगी नहीं, और इसी के अंदर ये सेवैयां सॉफ्ट भी हो जाएंगी। हल्की आंच पे पकाना है इसको। अब हम इसके अंदर ये वाले जो हमने मेवे फ्राई करके रखे थे ये ऐड कर देंगे, और साथ ही मैं ये जो खुश्क पाउडर दूध वाला रखा था इसको भी ऐड कर दूंगी, और हम चम्मच नहीं लाएंगे इस टाइम, अब स्लो आंच करके इसको ढक देंगे। अब हम इसके अंदर चम्मच हिला देंगे सेवैयों के अंदर। ओ माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखिए बगैर खोया के ये खोया वाला बन गया। अब हम इनको 5 से 10 मिनट दम पे रख देंगे, बिल्कुल स्लो आंच कर देनी है, और अब हम इसको दम पे लगा रहे हैं 5 से 7 मिनट। तो माशाल्लाह रेडी हो चुकी है हमारी कि मामी सेवैयां, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी रेडी हुई है माशाल्लाह से। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
तो तैयार हो चुकी है हमारी बहुत ही झटपट सी की मामी सेवैयां। बहुत इजी तरीके से बनती हैं और बहुत ही यमी बनती हैं। स्पेशल ईद के लिए है, गेट टुगेदर के लिए है, या कोई भी गेस्ट आपके घर में आया है तो आप तब भी खाने के साथ इसको बना सकते हैं। बहुत इजी से बनती है और बहुत डिफरेंट है, बहुत ही मजे की है। आपने ये जरूर ट्राई करनी है और मुझे बतानी है कि कैसे बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।